Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. मैंने पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें APMI जो परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है क्या चीज़ है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या रेलेवेंस है, ये सब हमने देखा है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये नंबर तो आ गया मेरे पास, अभी इस नंबर को रख के करूँगा क्या, चलिए अभी देखेंगे ये क्या चीज़ है। ये जो रेलेवेंट डाटा है हर महीने रिलीज़ किया जाता है और ये सर्वे से जो नंबर निकलता है काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारे तरीके से यूज़ किया जाता है। मान लीजिएगा एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो करते क्या है, वो प्रोडक्शन डिसीजंस को कैसे प्लान करता है। जैसे घर में किचन है, किचन में घर की मम्मी कैसे डिसाइड करती है, वो कहते हैं कि आज ये बंदा मेरा लड़का टूर पे गया हुआ है, अभी इस दूसरे लड़के के ऑफिस में पार्टी है, उसको खाना नहीं बनाना, शाम को कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उसी बेसिस पे वो अपनी प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में भी ये डिसीशंस, मतलब नई नई ऑर्डर क्या आ रहा है, आज की डेट में इन्वेंट्री क्या है और आने वाले टाइम पे डिमांड फोरकास्ट कैसे रहता है, ये सबको माइंड में रखते हुए कंपोनेंट हो, स्टील हो, प्लांट हो, ये सब परचेसिंग डिसाइड करना है। क्योंकि ये कोई घर नहीं है कि आपको कुछ भी चाहिए दो मिनट में फ़ोन करिएगा, लाला जी आके सामान दे के जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग है। आपको अगर स्टील चाहिए तो टाटा स्टील में एक महीने पहले ऑर्डर दिया जाता है, कहीं आपको पेंट लेना है तो पेंट कंपनी में दो तीन महीने पहले ऑर्डर दिया जाता है, और वो अपना नहीं कर रहा क्योंकि वो कहीं और से पिगमेंट ले रहा है, हो सकता है वो पिगमेंट कहीं चाइना से आ रहा हो, कहीं जापान से आ रहा हो, कहीं फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया रुपी कम है तो वो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, हेजिंग करते हैं, मतलब साइकिल चलता रहता भाई। ये नहीं है कि मतलब किचन में जैसे हमने एग्जांपल दिया, लाला जी ये सब्जी भेज दो तो सब्जी भी आ जाएगी, हर चीज़ आ जाएगी, 10 गेस्ट आ गए हैं फोन कर दो, हर चीज़ घर पे आ जाएगा माल, क्योंकि वहाँ पे लीड टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ये सब लीड टाइम देखा जाता है। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री क्या है वो देखना पड़ता है, इन्वेंट्री ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, इन्वेंट्री कम है वो भी दिक्कत है, इन्वेंट्री कम है तो टाइम पर माल नहीं बनेगा, टाइम पर माल नहीं बनेगा तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, कस्टमर मांगेंगे प्रोडक्ट दो, वहाँ वेटिंग है, वो बेचारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं, तो इन्वेंट्री ज़्यादा रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री कम रखेंगे तो सेल लॉस है, ज़्यादा रखेंगे इंटरेस्ट लॉस है, ठीक है, टॉप लाइन भी अफेक्ट है, बॉटम लाइन भी अफेक्ट है, सेल्स वाले चिल्लाएंगे, जब डिमांड है माल देते नहीं हो, जब डिमांड नहीं है आप फेंक देते हो, हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है, पीछे पड़ना पड़ता है, तीस और ये सब कुछ तरीके का चैलेंजेस है जहाँ पे PMI यूज़ कर सकते हैं। और वो भी डिसाइड करते हैं, अगर मान लीजिए कोई पार्ट सप्लायर है, अगर वो PMI को क्लोजली फॉलो करता है कि कल फ्यूचर डिमांड इसका प्रोडक्ट का कैसा रहेगा, इकोनॉमी कैसे चल रहा है, वो भी जानना चाहता है कि वो कितना इन्वेंट्री रखे ताकि उनके कस्टमर्स है जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उस हिसाब से उसको भी प्रॉफिट हो, क्योंकि सप्लाई चेन में सभी लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूरी है। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हो या फोर्ड है या कोई टाटा है, आपका सप्लाई है, कोई कार्बोरेटर सप्लाई कर रहा है, चलिए कार्बोरेटर तो आजकल है ही नहीं है, कोई MPFI दे रहा, कोई आपका पेंट दे रहा, कोई स्टील दे रहा, कोई प्लास्टिक दे रहा, कोई टायर दे रहा, कोई इग्निशन कॉइल है, कार का 50 चीज़ें, वायरिंग हार्नेस है, कोई दरवाज़ा है, प्लास्टिक है, 50 चीज़ें हैं, वो सब बंदों को पहले होना चाहिए। कुछ ऐसे भी सप्लायर्स होते हैं जो बाकी किसी कंपनीज का नहीं करते, वो एक ही कंपनी को करते हैं, जैसे भारत सीट से सिर्फ मारुति को देता, आजकल पता नहीं उनका क्या बिजनेस मॉडल, एक ज़माने में सिर्फ मारुति को देते थे वो सीट, तो ये सब सप्लायर्स भी वो यूज़ करेगा कि आने वाले टाइम पे इकोनॉमी कैसे चल रहा, और इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर भी देख रहा है कि PMI कैसे जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस को बताता है। ये जो PMI का जो डायरेक्शंस ऑफ द ट्रेंड, जो दिशा कहते हैं, कोई भी मेजर एक्टिविटी हो या आउटपुट हो, चाहे आपका GDP हो या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, ये सब चीज़ है, ये सब मेजर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट कहते हैं, ये सब मेजर चीज़ आने से पहले ही ये एक लीडिंग इंडिकेटर वो आने से पहले ये बता देता है। अगर कोई बीमार पड़ने से पहले जो है ना चार बार चीखता है,
सिरदर्दी है जी, टायर्ड हूँ, एक बंदे को कुछ बता सकते हैं कि ये बंदे को कुछ बीमार पड़ने वाला बहुत खास रहा, जैसे कोरोना का टाइम पे नहीं होता, कोई बंदा चीख लिया तो सब लोग दूर हो जाते, वो भी एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर है कि बंदे को कोरोना आने वाला है, ये है पीएमआई जी। वो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, गुड और बैड, जैसे आपके इंडेक्स IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बारे में वीडियो डालूंगा मैं, IIP क्या चीज़ है मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो भी डालूंगा। तो वो सब बड़ी इवेंट आने से पहले ये लीडिंग इंडिकेटर है, तो पीएमआई बड़ा अटेंशन इस पे करिएगा, और उस पे आपको एक फोरसाइट मिल जाएगा कि इकनॉमी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़िया कर रहा है, घटिया कर रहा है। लोग अपना अपना दुकान में बैठ के इकोनॉमिक्स डिसाइड कर लेते हैं। उस दिन बार्बर शॉप की दुकान में एक बंदा इकोनॉमिक्स मेरे से बात कर रहा था, मैं बोल दिया भाई साहब मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है, ऐसे ही लूज टॉक्स कहते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। आजकल बहुत लोग मर रहे हैं जी डिमोनेटाइजेशन से, बस इंडिया का ये एक आदमी का कमेंट नहीं है, ये एक पोलिटिकल पार्टी का कमेंट नहीं है, अपोजिशन का नहीं है, क्योंकि सबके पास IT सेल, हर पार्टी अपना रखे चलता रहता है कि सब लोग कहते हैं मैं ही बेस्ट हूँ, हम किसी के ऊपर जाएंगे नहीं है, ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये IAS IPS ICS कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं करता हूँ। वो जो कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई PO एग्ज़ाम है, कोई IAS है, IPS है, बाकी UPSC का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उनके लिए ये सब आएगा, मगर IAS करेंगे तो और डीप जाना पड़ेगा भाई। और कोई भी इंडस्ट्री में भी आप चले जाएंगे वहाँ भी पूछ लेते हैं, मान लीजिएगा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंजीनियर को भी कुछ पूछ लेते हैं, बताओ भाई इकोनॉमी कैसे चल रहा है, क्या लग रहा है, वो ये नहीं कह सकता है कि साहब मैं तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, मेरे को क्या लेना देना, नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम हो, मगर एक कंपनी में मारुति उद्योग में कंप्यूटर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब में जाओगे तो थोड़ा बहुत कार के बारे में भी सीख लो भाई, कितनी कार बिकती है और पिछले 4-5 साल से मारुति कैसे कैसे रहा है, कहाँ कहाँ एक्सपैंड हुए हैं, इनके क्या क्या प्लस पॉइंट है, सर्विस सेंटर जो भी है छोटा मोटा, मतलब कोई रिसर्च थोड़ी करके इसका PhD लेना है, थोड़ा बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ भी यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ऐसा यंग स्टूडेंट हर चीज़ नॉलेज अपना बढ़ाते रहिएगा भाई, कोर्स तो अपना कर लिया, डिग्री तो हाथ में आने वाला है, अगर ठीक ठाक लिखे हुए तो एग्जाम तो जरूर हाथ में डिग्री तो आ जाएगा, मगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है भाई, काम ही हर चीज़ है, मगर थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, कभी उठते हैं बैठते हैं समाज में बैठते हैं, कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं, मगर ये नॉलेज IAS पास नहीं होगा, उस पर डीप नॉलेज की ज़रूरत है कि मतलब 2014 में क्या था, आज की डेट में क्या है, क्वार्टर वाइज इंप्रूव हो रहा, क्या करने से इसको बढ़ा सकते हैं, क्या करने से घटा सकते हैं, इस पर क्या क्या मैनिपुलेशन होता, वो भी होता है छोटा मोटा चलता रहता है, ये सब चीज़ें इनडेप्थ नॉलेज की बहुत ज़रूरी है। ओके जी, आई होप यू लव दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर सदाशिव साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।